हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिलीशियस फूड किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। कई बार हमारे घरों में रोटी बासी बच जाती है तो हम सोचते हैं कि उसका क्या करें, तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि उसका क्या करें। तो हम बनाएंगे रोटी नूडल्स। जी हाँ, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है, और ये बहुत ही फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बासी रोटी ली है, तो उसको ऐसे रोल करके एक रोटी को और ऐसे स्ट्रिप्स में हम कट कर देंगे। जैसे कि हमारे नूडल्स होते हैं लंबे लंबे, वैसे ही हम इसको लंबे लंबे पीसेस में, पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे करके हम सारी रोटियों को कट कर लेंगे। तो जो सारी रोटियाँ थी उनको ऐसे लंबे स्ट्रिप्स में मैंने कट कर लिया। तो अब इनको हम रख लेंगे साइड में और चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गई है तो ऐड किया 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म हो गया, उसमें ऐड किया 2 से 3 हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हम कुछ मिनट्स तक फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी प्याज जो हमने ऐसे काट लिया था पीसेस में, और इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 गाजर जिसको मैंने लंबे पीसेस में कट कर लिया था, 1 शिमला मिर्च इसको भी लंबे पीसेस में कट कर लिया था, और इन सबको हम हाई फ्लेम पे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए ताकि जो क्रंचीनेस है वो बना रहे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे रोटी को। तो रोटी के जो लच्छे थे उनको हमने ऐड कर दिया और मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब जो रोटी है और जो ये शिमला मिर्च वगैरह है ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे। तो और कुटी हुई काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड चीज़ जो कि इसका जो टेस्ट है वो और बढ़ा देता है। तो देखिए बिल्कुल तैयार है, और गर्मा गर्म फटाफट इसको आप सर्व कर दीजिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।